कर्नाटक का सबसे बड़ा मठ सिद्धगंगा मठ, वहां से मठ यात्रा का यह सफर शुरू हो रहा है। आइए हमारे साथ। मुस्लिम से बच्चे लोग पढ़ते हैं 650 करीबन। ये हमारा ये मुबारक है, ये भी मुस्लिम से है। ये पूरा बच्चों लोग को अपने माँ के गोद में जैसे लेके पालते हैं। इस तरह से दिन में 3 टाइम का खाना देते हैं और पढ़ाई सब कुछ फ्री रहता है। कास्ट नो बार, रिलीजन नो बार, यानी हर कास्ट और हर रिलीजन का बच्चा यहाँ शिक्षा लेने के लिए आता है और मुफ्त में उसको शिक्षा मिलती है, रहने की व्यवस्था होती है, खाने पीने की व्यवस्था होती है। कोई मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो और जैन्स हो और हिंदू हो, सभी स्वामी जी को सभी मानते हैं। वो उस टाइम में 200 स्टूडेंट्स पढ़ता था, अभी 10,000 स्टूडेंट्स है। कर्नाटक की सियासत कर्नाटक के मठों के इर्द गिर्द होती है, या दूसरे शब्दों में यूं कहें तो कर्नाटक के मठ ही कर्नाटक की राजनीति को चलाते हैं। बात जब राजनीति की हो तो ख्याल अक्सर नेगेटिव ही आते हैं, लेकिन आज आपको राजनीति से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर दिखाते हैं। कर्नाटक में यूं तो सारी लड़ाई वोट पाकर जीतने के लिए है, सियासत का रास्ता कर्नाटक में लेकिन धार्मिक मठों और खास तौर पर लिंगायत मठों से होकर गुजरता है। और आज हम आपको कर्नाटक में लिंगायतों के सबसे बड़े मठ में लेकर चलते हैं, जहां से ये तय होता है कि सरकार किसकी बनेगी। जिस आम जनता से नेता 5 साल में शायद सिर्फ एक बार मिलते हैं, ये मठ उनके हर दिन के जीवन का एक अहम हिस्सा है। सिद्धगंगा मठ सालों से अपनी कोशिशों से शिक्षा, जनसेवा और मानवता के दीप जला रहा है। रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक पॉलिटिकल लीग की बड़ी जंग सिर्फ सियासी मैदानों में ही नहीं लड़ी जा रही, बल्कि सत्ता पाने के लिए मठों में भी धर्म युद्ध चल रहा है। आज आपको कर्नाटक में लिंगायतों के सबसे बड़े मठ में लेकर चलते हैं, क्योंकि कर्नाटक में लिंगायत वोटों की दिशा यहीं से तय होती है। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश। कर्नाटक के चुनाव पर जी न्यूज के इस ब्रांड न्यूज शो में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हम आपको लेके चल रहे हैं कर्नाटक के मठों की एक यात्रा पर। लेकिन चुनाव से जुड़ा हुआ कवरेज है, आखिरकार मठों की यात्रा से क्यों शुरुआत कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब जानना आपके लिए जरूरी है। दरअसल कर्नाटक की सियासत कर्नाटक के मठों के इर्द गिर्द घूमती है, या दूसरे शब्दों में यूं कहें तो कर्नाटक के मठ ही कर्नाटक की राजनीति को चलाते हैं। और इसीलिए आज इस सफर को हम शुरू कर रहे हैं दिल्ली से तकरीबन 2500 किलोमीटर दूर कर्नाटक का सबसे बड़ा मठ सिद्धगंगा मठ, वहां से मठ यात्रा का यह सफर शुरू हो रहा है। आइए हमारे साथ। सिद्धगंगा मठ सियासत की सिद्धि का सबसे बड़ा ठिकाना है, तभी तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तक सब यहां लिंगायत वोट बैंक का आशीर्वाद पाने के लिए यहां माथा टेकने जरूर आए। दिल्ली से करीब 2500 किलोमीटर दूर सिद्धगंगा मठ के महास्वामी श्री श्री शिव कुमार यूं तो 111 साल के, मगर कहते हैं कि उनका आशीर्वाद चुनावी संग्राम में विजय पथ बनाने का काम करता है। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? यहाँ कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपना कैंपेन शुरू करने से पहले यहाँ आता है, फिर उसके बाद और जगहों पे जाता है? स्वामी जी के पास इसके लिए आते हैं, स्वामी जी का आशीर्वाद लेके आगे पूरा काम उनका ये करने के लिए आते हैं। क्या बोलते हैं उनका आगे इलेक्शन के बारे में और आगे रोड शो करके लोग चले जाते हैं सासुर दिल्ली के स्वामी जी से। सिद्धगंगा मठ की सिर्फ महिमा ही बड़ी नहीं है, बल्कि यहां से जुड़े लोगों का वोट बैंक भी बहुत बड़ा है। आखिर क्यों कर्नाटक की राजनीति
मठों के इर्द गिर्द घूमती है। ये आज हम आपको बताते हैं। ये मठ सिर्फ राजनीति की दिशा और दशा ही तय नहीं करते, बल्कि इन मठों से जुड़े लोगों के जीवन की दिशा भी तय करते हैं। जिस आम आदमी से नेता 5 साल में शायद सिर्फ एक बार मिलते हैं, ये मठ हर दिन उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनकर रहते हैं। सिद्ध गंगा मठ सालों से अपने अथक प्रयासों से शिक्षा, जन सेवा और मान इस मठ से सबसे ज्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं वो लिंगायत कम्युनिटी के लोग जुड़े नहीं, हुए नहीं नहीं सभी जाति के जुड़े हुए हैं। कोई कैश का कोई नहीं, ये नहीं सीमित नहीं। या मुस्लिम से बच्चे लोग पढ़ते हैं 650 करीबन। ये हमारा ये मुबारक है, ये भी मुस्लिम से है। यहाँ पर थोड़ा नीचे थोड़ा देखभाल करते हैं। सभी कैश का है, कोई सीमित नहीं स्वामी जी को। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 70 किलोमीटर दूर सिद्ध गंगा मठ शीर्ष वीर शैव और लिंगायत मठों में से एक है, जिसे किफायती और आधुनिक शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए जाना जाता है। हर साल यहां 10,000 बच्चों का दाखिला होता है। सिद्ध गंगा मठ के गुरुकुल में इन बच्चों की शिक्षा, रहना, खाना सब मुफ्त में दिया जाता है। यानी इस मठ का एक बड़ा रूप गुरुकुल का भी है। सिद्ध गंगा मठ में बहुत सारी चीजों का समावेश है। एक तरफ अनाथालय है तो दूसरी तरफ स्कूल है, और वो स्कूल गुरुकुल की तरह चलता है। हर साल कक्षा 1 से कक्षा 10 तक की पढ़ाई के लिए 10,000 नए बच्चों का दाखिला लिया जाता है, और वो हर तबके के बच्चे होते हैं। उसमें किसी एक समुदाय विशेष के बच्चे नहीं होते। उसमें तकरीबन 80 से ज़्यादा समुदाय जो कर्नाटक के अलग अलग राज्यों के हैं, उन घरों से बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, पढ़ाई ग्रहण करने आते हैं। शाम का वक्त है और भोजन से पहले पूरे दिन की जो शिक्षा ली इन्होंने, पूरे दिन जो पढ़ाई ली इन्होंने, उसको यहाँ पे उसकी पुनरावृत्ति होती है, उसको दोहराया जाता है। और यहाँ उनको ये याद दिलाया जाता है कि आज का पाठ जो आपने पढ़ा है उसको जीवन में हमेशा याद रखिए। बच्चों की शिक्षा हो या फिर अस्पताल की जरूरत, गांव में सड़क बनानी हो या फिर बिजली पहुंचानी, इन सब कामों में मठों की अहम भूमिका रहती है। यानी जहाँ सरकार अब तक पहुँचने की सोच ही रही है, उन जगहों पर ये मठ अपना काम सालों से कर रहे हैं। हम हॉस्पिटल, अभी एक हॉस्पिटल बना है ना, वो हॉस्पिटल पूर्ण चैरिटी नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत मेंटेन करने के लिए, अभी तो सबको मालूम है, इस देश में सबको मालूम है, वो हॉस्पिटल मेंटेन करने के लिए बहुत तकलीफ होता है। हम ढूंढ रहे हैं चैरिटेबल, वो डोनेशन ले के पूर्ण ये गरीब लोगों को मदद करने के लिए फंड डोनेशन ऐसा एक ट्रस्ट बनाया है। वो ट्रस्ट को फंड ले रहे हैं। अभी 5-6 महीना हो गया अभी। चलो ओके, अभी और तो ज़्यादा ये बढ़ने का अभी टाइम लगता है। नेता भले ही धर्म के नाम पर सिद्ध गंगा मठ में वोट की राजनीति करने के लिए जाते हैं, लेकिन सिद्ध गंगा मठ के दरवाजे हर धर्म के लिए खुले। माना जाता है कि 80 से भी ज्यादा कास्ट के लोग सिद्ध गंगा मठ से जुड़े हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन सभी। न तो किसी के आने पर यहाँ रोक है और न ही मदद धर्म या जाति पूछ कर की जाती है। कहते हैं कि सिद्ध गंगा मठ की रसोई का चूल्हा कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि दिन हो या फिर आधी रात, जो यहाँ पहुँच गया वो भूखे पेट नहीं सोता। सिद्ध गंगा मठा जो होता है सर्वधर्म होता है। जो परम पूज्य जो 111 साल के जो भगवान है यहाँ पे, उसको चलते हुए भगवान मानते हैं। यहाँ पे उनका एक निदर्शन है, उनका एक आदेश है, जो भी भक्त लोग आएगा उनको जात के रूप से नहीं देखना है, एक मानव रूप में देखना है। यहाँ पे जो भी बहुत कम से कम तो एक साल में 9,500-10,000 बच्चे लोग के शिक्षण चल रहा है, इन लोग का पूरा जिम्मेदार, जैसा कि अपना माँ अपने गोद में डाल के बच्चों को कैसा संभालती है, उस तरीके से यहाँ के भगवान जो हैं शिव कुमार स्वामी जी, और यहाँ का पूरा इंचार्ज जो देव हैं सिद्धगंगा मठ के अध्यक्ष जो हैं सिद्धलिंगम महास्वामी जी हैं, ये पूरा बच्चों लोग को अपने माँ के गोद में जैसे लेके पालते हैं। इस तरह से दिन में 3 टाइम का खाना देते हैं और पढ़ाई सब कुछ फ्री रहता है। नेताओं को भी ये पता है कि इस मठ के महा आशीर्वाद के बगैर बेड़ा पार नहीं लगेगा, क्योंकि मठ के एक इशारे पर जीत उसी के पाले में जाएगी जिधर महा आशीर्वाद का इशारा होगा। कर्नाटक की सियासत में जो संघर्ष चल रहा है, उसका शक्ति परीक्षण मठों में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि मठ इस बात से इनकार करते रहे कि कर्नाटक की सियासत में उनका कोई दखल रहा है या फिर है, लेकिन सच्चाई ये है कि भले ही अप्रत्यक्ष रूप में इस राज्य की राजनीति इन जैसे मठों के इर्द गिर्द घूमती है।
सिद्धगंगा मठ में शाम की प्रार्थना के बाद अब रात्रि के भोजन का वक्त करीब आ रहा है और हम भी इस कार्यक्रम को अब यही खत्म कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपको इतना जरूर बता दें कि कर्नाटक में मठों की ये यात्रा हमारी लगातार जारी रहेगी। किस तरीके से कर्नाटक के मठ कर्नाटक की सियासत को प्रभावित करते हैं और कर्नाटक की राजनीति से कैसे कर्नाटक के मठ प्रभावित होते हैं, इस पर लगातार हमारी बातचीत जारी रहेगी और हम तमाम अलग अलग मठों तक जाके इस बात को जानने समझने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरे सहयोगी सदाशिव के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।